आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच पूर्वांचल की राजनीति में खूब हलचल मची हुई है। कल ही यानी 12 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतापगढ़ के हीरागंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर राजा भैया किसी पार्टी को समर्थन करेंगे या फिर अपना कैंडिडेट उतारेंगे, इस पर चर्चा तेज हो गई है। कुंडा के बाहुबली नेता राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर खासा प्रभाव माना जाता है। वहीं प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया कभी भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसी दरमियान राजा भैया ने चुनाव को लेकर अपनी पार्टी जन सत्ता दल लोकतांत्रिक की अहम बैठक बुलाई है। इसी मीटिंग ने भाजपा की बेचैनी को बढ़ा दी है। यह बैठक कुंडा में बेंती भवन में बुलाई गई है। आपको बता दें कि राजा भैया के दायरे में आने वाली कौसाम्बी सीट से नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई थी। नामांकन के दिन इस सीट से राजा भैया की ओर से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया किसी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि अभी राजा भैया की ओर से किसी तरह का कोई भी फैसला नहीं आया है। हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राजा भैया इन सीटों को लेकर किसी को समर्थन देने की घोषणा कर दे। आपको बता दें कि राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल का गठन साल 2018 में किया था, जिसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली दो सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। राजा भैया ने प्रताप सिंह गोपाल को प्रतापगढ़ से और कौशाम्बी सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को उतारा था। हालांकि अक्षय प्रताप चौथे और शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 24 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, जिनमें कुंडा और बाबागंज सीटों पर जीत मिली। राजा भैया कुंडा से 7वीं बार और विनोद सरोज बाबागंज सीट से 4थी बार विधायक बने। आपको बता दें कि बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के संबंध उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं। राजा भैया सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे, यहां तक कि वो मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री भी रहे और उनकी गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबियों में की जाने लगी। मगर मुलायम सिंह के यादव के बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ राजा भैया के संबंध अभी तक खट्टे कभी मीठे नजर आए। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए राजा भैया ने अखिलेश यादव के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने यह भी माना कि उनकी समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ रिश्तों में तल्खी आई थी, मगर अब वो दूर हो गई है और ये सभी चीज़ें अब सॉल्व हो गई है। दरअसल साल 2021 में अखिलेश यादव किसी कार्यक्रम में प्रतापगढ़ पहुंचे थे। यहां जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप और राजा भैया के बीच क्या हुआ है, आप उनसे इतने नाराज क्यों हैं, इस सवाल पर अखिलेश यादव ने राजा भैया को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। अखिलेश ने पत्रकारों से ही पूछा था, ये कौन है, किनका नाम लिया आपने। बता दें कि साल 2023 में दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।